गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथमेटिक्स बुक चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग पहले वीडियो में 1.1 कंप्लीट किए थे, उसके बाद 1.2 स्टार्ट किए थे। 1.2 का लास्ट वीडियो में हम लोग 4 का ई तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 4 का एप से स्टार्ट करेंगे, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं 4 का एप से। तो 4 का एफ का हमारा पहला 4 का एफ का क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। 4 का एफ हमारा क्या कहता है, 4 का एफ कहता है, आपका क्वेश्चन बोला है 10x माइनस 1y(x) इक्वल टू 3। बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। x जहाँ पे 0 नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 × x, 10x² माइनस 1y(x) इक्वल टू 3x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x² माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया, तो ये x लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, या तो यहाँ पे ये आप हटा दो, यहाँ पे हम लोग 3x लिख देते हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। 10 × 1 10 ही होता है, 10 का आपको फैक्टर लेना है जो कि आपको 2 × 5 मिलेगा, इसको प्लस माइनस करके आपको 3 लाना है। आइए देखते हैं कैसे आता है। 10x² माइनस 5 माइनस 2 करेंगे 3 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग 5x को कॉमन भी ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 लेंगे 2x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 1 एंड 5x प्लस 1। एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स का वैल्यू माइनस 1/5। अब हम लोग को इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है 1/2 एंड माइनस 1/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 4 का जी। 4 का जी हमारा क्या कहता है देखते हैं। 4 का जी हमारा कहता है 2y(x² माइनस 5y(x) प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। फाइन, सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा। पहले एलसीएम लेंगे जो कि x² आपका आएगा, यहाँ x² कैंसिल हो जाएगा, 2 ही होगा, यहाँ x है तो x बचेगा 5 × x 5x प्लस यहाँ पे 2x² हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। x² को आप उधर लेके जाइएगा तो 0 से किसी भी चीज़ को आप दुनिया में मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही होता है। 5x प्लस 2x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, अगर रीअरेंज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि 2x² माइनस 5x प्लस 2, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 × 2 जहाँ पे ए एंड सी है मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, इसका फैक्टर से आपको प्लस माइनस करके ये बनाना है। आइए करते हैं कैसे होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टर को बताइए, 4+1 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 तो है, 1 भी तो एक फैक्टर है 4 का, 1 तो हर किसी का फैक्टर है, राइट। प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। आगे करेंगे, ये हो जाएगा आपका, अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, 2x कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ क्या होगा कॉमन आएगा कुछ नहीं, तो 1x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। और अब हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 और 2x माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, इसमें x इक्वल टू 2 होगा और इसमें x इक्वल टू 1/2। ये भी देखिए 4GB हमारा सॉल्व हो